हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वन यू आई 2.1 के टिप्स और ट्रिक्स। तो गाइस, सबसे पहली ट्रिक ये है कि गाइस हम सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में हम जाएंगे डिस्प्ले में। तो गाइस, अब यहाँ एक नेविगेशन बार बोल के ऑप्शन है। तो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ अभी तीन बटन है। अब मैं जाऊँगा नेविगेशन बार में। तो गाइस देखिए, नेविगेशन बार में एक सिंगल बटन का ऑप्शन है। ये देखिए गाइस, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। ये देखिए गाइस, अब यहाँ सिंगल बटन आ गया। तो गाइस, ये सबसे ऑसम ट्रिक है वन यू आई 2.1 में, कि हम हमारे पूरे फ़ोन को आईफोन के जैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और गाइस, अगर हमने कोई भी ऐप खोला तो हम उसे बस राइट या लेफ्ट साइड में क्लिक करके बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, और गाइस अगर हमें हमारे फ़ोन को आईफोन में पूरा कन्वर्ट करना है, अब गाइस सिंगल बटन तो आ गया आईफोन के जैसा। तो गाइस हम वॉलपेपर्स में जाएंगे। और गाइस, मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया और मैंने इसे डन किया होम स्क्रीन में। ये देखिए गाइस, तो ये एक सबसे ऑसम ट्रिक है वन यू आई 2.1 का। और हम सेटिंग्स में जाएंगे यहाँ की, और गाइस हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, मैंने ऐप्स भी पूरे चेंज कर दिए। अब देखिए गाइस, ऐप्स भी पूरे चेंज हो जाएंगे। ये देखिए गाइस, पूरा आईफोन के जैसा लुक है फ़ोन का। तो गाइस, ये वन यू आई 2.1 का बहुत ही ऑसम फीचर है। तो गाइस, आप इसे ज़रूर ट्राई करो। और भी गाइस बहुत सारी ट्रिक्स है वन यू आई 2.1 की। और गाइस, दूसरा ऑसम फीचर ये है कि अभी मैं सिंगल बटन से नीचे स्वैप करूँगा और वन हैंड मोड चालू हो जाएगा। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, हम एक ही फिंगर से पूरे फ़ोन को ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, तो गाइस ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। और अगर हमें इसे बंद करना है तो बस ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो गाइस, अगर हमें वन हैंड मोड चालू करना है तो हम सेटिंग्स में जाएंगे। ये देखिए गाइस, वन हैंड मोड की सेटिंग्स आ गई। तो गाइज, ये सेटिंग्स में पूछेंगे कि स्वैप करना है कि बटन से रखना है। तो गाइज, हम इस सेटिंग्स में इसे भी रख सकते हैं। तो गाइज, बस हमें सेटिंग्स में जाके एडवांस फीचर में जाना है, और एडवांस फीचर में आएगा वन हैंड मोड बोल के एक ऑप्शन। यहाँ बहुत सारे फीचर्स गए, जैसे कि मोशन और ये गाइस वन हैंड मोड। तो गाइस, ये आप सेटिंग्स में भी जाके चालू कर सकते हो। और गाइस, अब हम जो हमारा कीबोर्ड है उसका बहुत अच्छे से यूज़ ले सकते हैं, जैसा मैंने टाइप किया सैमसंग। और गाइस, अब मैंने इसे कट कर दिया। गाइस, मैं दो फिंगर से स्वैप करूँगा और सैमसंग वापस आ जाएगा। ये देखिए गाइस, तो गाइस ये भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है वन यू आई 2.1 का, कि हम कोई भी चीज़ को कट कर सकते हैं और दो फिंगर से बस ऐसे स्वैप करके वही चीज़ को वापस ले जा सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ सैमसंग आ गया ऊपर। और गाइस, अब मैंने अगर मेरे को सैमसंग कट करना है तो मेरे को कर्सर ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस कीबोर्ड में स्पेस पे क्लिक करूँगा और कर्सर खुद ही ऊपर चला जाएगा। ये देखिए गाइस, ये देखिए। और गाइस, मुझे जो भी कट करना है मैं ऊपर जाके कट कर सकता हूँ और कर्सर को वापस नीचे लेके आ सकता हूँ। तो गाइस, ये भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है। और गाइस, अब हमें अगर कुछ ड्रॉ करना है तो गाइस, हम यहाँ जो आप पेन का देख रहे हो स्टार बने वाले हैं, तो गाइस ये स्टार पे हम क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। तो गाइस, आप ऐड पे आपका फेवरेट पेन भी ऐड कर सकते हो और फेवरेट कलर।
और इसमें से अगर आपको कोई कलर नहीं पसंद आ रहा है तो आप यहाँ से भी कोई भी कलर ले सकते हो जो भी आपको पसंद है। और गाइस ये पेन अभी यहाँ ऐड हो गया, तो गाइस ये देखिए ये भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है सैमसंग का। गाइस अब हम बात करेंगे गैलरी की, तो गाइस गैलरी में भी बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स आ चुके हैं। अब जैसे कि हम हमारी फ़ोटो से ही खुद की वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, बस हम इस पर क्लिक करना है और मैं अब दबाऊंगा कुछ फ़ोटोज़ पे। और गाइस यहाँ ऑप्शन आएगा नीचे क्रिएट मूवी बोल के, तो गाइस ये देखिए मैं क्रिएट मूवी पे क्लिक करूँगा तो पूछेगा कि हाईलाइट में क्लिक करना है कि सेल्फ एडिट करना है। गाइस सेल्फ एडिट में हम मूवी को खुद एडिट करेंगे और हाईलाइट में फ़ोन खुद ही क्रिएट करके दे देगा। और गाइज हम चाहे तो इसमें कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और कोई साउंड भी ऐड कर सकते हैं, और गाइज और कोई फोटो चाहिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए गाइज और ये साउंड, तो गाइज साउंड भी ऐड कर सकते हैं हम, तो गाइज ये भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है वीडियोस के लिए। अब गाइज हम बात करेंगे कैलेंडर की, तो गाइस कैलेंडर्स में हमें जो भी इवेंट पसंद आई तो गाइस हम उसके स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं। मैंने AR इमोजी की भी वीडियो बनाई गाइस, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। देखिए गाइस जैसे कि ये, तो गाइस ऐसे हम कोई भी स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं आगे की डेट्स के लिए भी, जैसे कि 1 तारीख के लिए मैंने कोई भी स्टिकर ऐड कर लिया इसमें। तो गाइस अभी मैं 1 तारीख पे जाऊंगा, मैंने सेव नहीं किया था। अब देखिए गाइस अब 1 तारीख पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए गाइस इवेंट खुद ही आ जाएगा। अब इसमें टाइप भी कर सकते हो इवेंट्स। तो गाइस ये स्टिकर का जो नया फीचर है वो भी बहुत अमेजिंग फीचर है कैलेंडर में। और गाइस अब हम बात करेंगे कैमरे की, तो गाइस कैमरे में बहुत सारे फीचर्स अपडेट हुए हैं। तो गाइज ये देखिए अब गाइज मैंने फ़ोन को नीचे रखा है तो फ़ोन खुद ही बोल रहा है कि नाइट मोड यूज़ करो। गाइज अब हमें फ़ोन खुद ही सजेस्ट करेगा कि हमें कौन से मोड्स यूज़ करने हैं। तो गाइज कैमरे में अब हम फोटोज़ क्लिक करने का जो बटन है उसको हम ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए गाइज ये वाले बटन को हम ऊपर भी ऐड कर सकते हैं और हमें नीचे तो हम वापस यहीं रख सकते हैं। और गाइज हम सेंटर बटन को क्लिक करके वीडियो भी ले सकते हैं, बस गाइज हमें बटन को क्लिक करना है। ये देखिए गाइज वीडियो चालू हो गई फ़ोन में, और अगर मैंने सेंटर बटन को छोड़ दिया तो गाइज वीडियो स्टॉप हो जाएगी। तो गाइज ये भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है। और गाइज हम सेंटर बटन को स्वैप करके बहुत सारे शॉट्स ले सकते हैं। तो गाइस बस मैं सेंटर बटन ऊपर से नीचे स्वैप करूंगा और देखिए गाइस बहुत सारी फोटोज आ जाएगी। ये देखिए तो गाइस एक बार में 100 पिक्चर्स आती है गाइस ये मोड में। गाइस बहुत ही अमेजिंग फीचर है कि गाइस ये देखिए हम एक ही बार में कितने सारे शॉट्स ले सकते हैं इसमें। और गाइज जो मेन फोटो है ये गाइज उसको भी हाईलाइट करता है। ये देखिए गाइज, तो गाइज ये भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है। और गाइज फोटोज़ में एक नवा फीचर आया है कि गाइज हम ऐड करके अब इसका भी शॉट ले सकते हैं। देखिए गाइज ऊपर शॉट की पिक्चर आ गई, ये देखिए गाइज यहाँ शॉट आ गया। तो देखिए गाइज ये सिंगल शॉट आया कि हमने ऐड करके हम उसका भी शॉट ले सकते हैं। और गाइस कैमरे में सिंगल टेक का मोड आ चुका है, तो गाइस सिंगल टेक मोड में हम कोई भी चीज़ की वीडियो ले सकते हैं। ये देखिए गाइस
देखिए गाइस इसकी वीडियोस बन जाएगी, तीन वीडियोस बनेगी गाइस, ये देखिए गाइस तीन वीडियोस बन गई। अब देखिए गाइस गाइस सेंट्रल वाली वीडियो हमेशा ओरिजिनल होती है इसमें, ये देखिए गाइस ये वीडियो ओरिजिनल है और गाइस ये दोनों खुद क्रिएट की है। तो गाइस ये भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है सिंगल टेक का। और गाइस बाकी के जो ऑप्शंस है वो सारे मोर में आ चुके हैं। गाइस पूरे ऑप्शंस अब मोर में आ गए हैं कि, और अगर हमें कोई भी ऑप्शन चाहिए तो हम उसे नीचे ले सकते हैं, नहीं चाहिए तो हम वापस उसे बैक कर सकते हैं। तो गाइस ये भी बहुत ही अमेजिंग फीचर आ गया है। और गाइस अब हम फोटोज़ में हमारे खुद के फिल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं। देखिए गाइस यहाँ जो ऊपर ऑप्शन है फिल्टर का है, तो देखिए गाइस माय फिल्टर, ब्यूटी फिल्टर और फिल्टर्स। तो गाइस माय फिल्टर में हम कोई भी फ़ोटो को लेके फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं। पहले मैं आपको ब्यूटी का बता देता हूँ गाइस, अगर हम किसकी फ़ोटो ले रहे हैं तो हम उसके नोज़ आइज़ को अब कैमरे से डायरेक्ट एडजस्ट कर सकते हैं ब्यूटी फिल्टर में। और गाइस फिल्टर्स में फ़ोन की तरफ से बहुत सारे फिल्टर्स दिए हुए हैं फ़ोन में, जो गाइस हमेशा ही दिए होते हैं। और गाइस अगर हमें चाहिए तो हम और भी डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस माय फिल्टर में हम ऐड कर सकते हैं कोई भी फ़ोटो, ये देखिए गाइस जैसे मैंने फ़ोटो ऐड की फ़िल्टर आ गया। और हम अब हम सेव फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो गाइस फिल्टर सेव हो जाएगा, ये देखिए गाइस ये ओरिजिनल है। और ये गाइस अभी हमने जो फ़िल्टर क्रिएट किया वो, तो गाइस अब हम हमारे फोटो से ही फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस ये भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है। और गाइस अब हम आईफोन के जैसी मोशन फोटो शूट कर सकते हैं इसमें। गाइस देखिए मैंने मोशन मोड को ऑन कर दिया, देखिए गाइस ऑफ ऑन। अब गाइस मैं जैसी फ़ोटो क्लिक करूँगा तो मोशन में फ़ोटो क्लिक होगी। तो ये देखिए गाइस एक छोटा सा मोशन क्रिएट हुआ गाइस फोटो में, ये देखिए गाइस। तो गाइस ये मोशन फोटोज भी आ गई है। तो गाइस ये भी बहुत ही अमेजिंग फीचर है। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।